एक तरफ बांग्लादेश में मक्के के दाम कम हो गए हैं और वहीं उस देश में डॉलर में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कूचबिहार जिले के चेंगड़ा बांधा सीमा के रास्ते भारत से बांग्लादेश में मक्के का आयात बंद हो गया है। वर्तमान में इस बंदरगाह पर अब तक लगभग 1000 मक्के से लदे ट्रक खड़े हैं। इनमें से अधिकांश ट्रकें 2.5 महीने से अधिक समय से इस सीमा पर फंसे हुए हैं। अब नुकसान से बचने के लिए बांग्लादेशी व्यापारियों ने भारत से मक्के का आयात बंद कर दिया है। दूसरी तरफ से व्यापारी दूसरे पक्ष के व्यापारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे बांग्लादेश को मक्का ना भेजें, लेकिन अब यह समस्या जटिल होती दिखाई दे रही है। विभिन्न मक्के के व्यापारियों को पहले ही 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस स्थिति में और नुकसान से बचने के लिए कई मक्का व्यापारी बांग्लादेश को निर्यात के लिए रेल द्वारा मक्के भेज रहे हैं। कारण, सीमा के इस क्षेत्र में इतनी मात्रा में मक्के का भंडार करने के लिए गोदाम नहीं है, इसलिए मजबूरन उन्हें लंबे समय से खड़े ट्रकों से अनाज उतारकर वैगनों में डालकर विदेशी भेजना पड़ता है। देश पहले कुछ दिनों से सीमा पर स्थित चेंगड़ा बांध रेलवे स्टेशन इस काम में व्यस्त है। व्यापारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश में भारतीय मक्के की भारी मांग के कारण चेंगड़ा बांधा सीमा के माध्यम से बांग्लादेश को मक्के का निर्यात बहुत अधिक जमा हो चुका है। मक्के को अन्य राज्यों से रेल द्वारा लाया गया और सड़क मार्ग से बांग्लादेश भेज दिया जाता है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेशी व्यापारी मक्का खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे। अधिकांश व्यापारी मक्के को ट्रकों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेंशन चार्ज के रूप में प्रति ट्रक 1200 से 1500 रुपए खर्च होते हैं। अगर इसे सीधे बांग्लादेश को निर्यात किया जाता है तो व्यापारियों को यह डिटेंशन लागत खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा मकई बर्बाद भी हो रही है। एक से अधिक बार लोडिंग अनलोडिंग के कार्य के लिए अतिरिक्त श्रम भी लगता है। चेंगड़ा बांधा एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि डॉलर के मूल्य में वृद्धि के कारण मक्के की कीमत में कमी आई है और उधर बांग्लादेश में मक्के का निर्यात बंद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।